स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये भावेश भाई एक बार अनिश्चित जी बहुत बड़ा मेरे लिए सबके लिए आनंद का उत्साह का और विजय का प्रसंग है, क्योंकि वहाँ तो बाबर का ढांचा खड़ा था और ढांचा खड़ा था वह जमीन भी न्यायालय में विवाद में लिटिगेशन में थी और तब वहाँ भव्य राम मंदिर बने और ये भाव लोगों में मजबूत करना और जब बाबर का ढांचा खड़ा था तब मॉडल बनाकर मॉडल के आधार पर 8 करोड़ हिंदुओं के घरों में जाकर 125 लेना और जब बाबर का ढांचा खड़ा था तब 1990 से 32 वर्ष तक बनने वाले मंदिर के लिए पत्थर घड़ने का काम करना। हमने 1990 से 2022 तक 60,000 घनफीट पत्थर मंदिर बनाने के लिए तैयार किया, तब शुरू किया था जब बाबर का ढांचा था। इसलिए 3-4 वर्षों के पहले जब न्यायालय ने जमीन दे दी तो पत्थर गढ़ने का काम तो 20-30 साल लगता है, कहाँ से मंदिर खड़ा हुआ। हमने 32 साल से घड़े हुए पत्थर तैयार थे, करेन से लगा दिया, मंदिर खड़ा हुआ। तो यह मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के 125 का प्रतीक है, 8 लाख कार सेवकों के संघर्ष और शौर्य का परिणाम है, आनंद सबको है। करोड़ों कार सेवक थे, हिंदू थे, जिनके वजह से राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक अमुक पार्टी पूरे राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेना चाह रही है, ये क्या उचित है, या राम को राजनीतिक मुद्दा बनाना ये उचित है? किसी भी हिंदू को राम मंदिर का श्रेय यश लेने का अधिकार है। बाला साहब ठाकरे भी ले सकते हैं, भाजपा भी ले सकता है, शिवसेना भी ले सकती है, 8 लाख कार सेवक जो लाठी गोली खाने के लिए आए थे वह भी ले सकते हैं, और 125 दिया वो 8 करोड़ हिंदुओं में से कोई भी ले सकता है, लाखों संतों ले सकते हैं। तो लोग यश ही ले रहे हैं ना, अपयश तो नहीं ले रहे हैं, यश लेने वाले को लेने देना चाहिए। योगी जी का एक बयान है कि हमने 3 गांव मांगे, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी है। हमने तो 1984 से कहा है अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, वो राम मंदिर आंदोलन शुरू किया तब से यही नारा है। सर लास्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता के लिए देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक स्टेट ने उसको लागू भी कर दिया है, जिस जरूरत है देश, उत्तराखंड ने लागू किया, उनको अभिनंदन धन्यवाद, जरूरत है, एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते है, पूरे देश में लागू होना चाहिए और किसी को 4 बीबियां करने की व्यवस्था अनुमति भारत में नहीं मिलेगी। सर 370 लागू तो हो गया देश में, पर अगर गुजरात का कोई व्यक्ति या राजस्थान का व्यक्ति वहाँ पे अपना कुछ उद्योग लगाना चाहे या जमीन खरीदना चाहे तो वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, तो कानून बन गए। अरे हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, राह देखो। धन्यवाद सर, धन्यवाद।